और उसने माफी मांगी कि उसने कहा कि तौबा करो रजुलाओ ताकि तुम पर ताजगी के दिन आए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह नासरी ही है जिनसे ताजगी के दिन आते हैं, जिससे हमेशा की जिंदगी के दिन आते हैं। आज हम बहुत आलूदगी में हैं, हम अपने गुनाहों की वजह से आलूदा हैं, हम अपने कामों की वजह से आलूदा हैं, लेकिन सिर्फ उसके क्रॉस पर उसकी सलीब पर मर जाने से हम ये नहीं जान पाए, क्योंकि हम किसी भी अच्छे काम से, अच्छी बात से, अच्छे रहन सहन से, नहाने धोने से, वजू करने से हम पाक नहीं ठहर सकते। सिर्फ खुदा यीशु मसीह नासरी है जिसके वसीले से हम पाक हैं, जिसके लहू से हम पाक हैं, और जिसने हमारे लिए जान दी, जिसने मेरे लिए जान दी, मेरे पूरे घराने के लिए जान दी, उसने आप सबके लिए भी जान दी। उस दुनिया में आया ताकि वो आपको रिहाई दे, मुझे रिहाई दे, ताकि हम सब रिहाई पाए और उसके बाद बाप के पास जाए और हमसे दोस्तों का आजाद उठा लिया ताकि हम निजात पाएं, हम जन्नत में जाएं और उसके साथ रहें, क्योंकि वही है जो हमें एक रास्ता बताती है, क्योंकि वही है जो एक रास्ता है हमारे पास जिंदगी में दाखिल होने का, और कोई भी नहीं। अगर आज अब तक किसी ने भी तौबा नहीं की तो आज आप तौबा करें, किसी नासरी से कहें कि मैं तुझ पर ईमान रखता हूँ कि तू खुदा का बेटा है और मैं अपने सारे गुनाह तुझे देता हूँ। आज हम इन पर्सन ये श्योरिटी है हम सब की कि आप रिहाई पाएंगे, वही आकर आकर आपको खुदा यीशु मसीह आकर छुएंगे और वही आपको बताएंगे कि कैसे आगे लाइफ को आप स्पेंड करेंगे, कैसे आपकी जिंदगी गुजरेगी, क्योंकि वही आपको बचाने की कुदरत है, आपको कुछ नहीं। अगर हम सारी दौलत ले लें, अगर हम सारे मजहब ले लें, कोई भी हमें बचा नहीं सकता, सिर्फ खुदा यीशु मसीह है जिसके वसीला से हमारी जान बचती है। अगर हम सारा पैसा ले लें, हम सारी हुकूमत का पैसा ले लें, हम सारी हुकूमत की अथॉरिटी ले लें, कोई भी हमें बचा नहीं सकता, सिर्फ खुदा यीशु मसीह नासरी है जिसके वसीला से हम बच जाते हैं, हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होते हैं, उसकी बादशाह के लिए अपने कबूल करते हैं, आप अपनी सोचों में से कबूल करते हैं, आप अपनी टेम्पटेशंस में, आप अपनी ख्वाहिशात जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ख्वाहिशात बढ़ गई, इंसानी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, आपके दिलों की ख्वाहिशात, दूसरे बदन की ख्वाहिशात, जिसकी वजह से हम हमेशा खुदा के आगे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उसके एट्रीब्यूट्स होली हैं, क्योंकि वो खसूसियात मुकद्दस रखता है, वो पाक खुदा है, वो कभी भी उस जगह पर नहीं आ सकता जहाँ पर गुनाह हो, जहाँ पर उसका इनकार हो, आपके बदन उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो एक औरत और एक मर्द को पसंद करता है, क्योंकि वो पाक खुदा है, वो कभी भी औरत को और मर्द मर्द को नहीं पसंद करता, ना एक औरत और तीन और एक मर्द और तीन औरतें वो पसंद करता है, वो सिर्फ एक पाक खुदा है, वो पाकीज़ा खुदा है, वो किसी ज़नाकारी को पसंद नहीं करता, हरामकारी को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो जिंदगी में दाखिल होने के लिए हमें तैयार करता है, और हम उसके ताबेदार होकर जिंदगी गुजारे, ताकि अबलीस शर्मिंदा हो, हमारी जिंदगियों से अबलीस शर्मिंदा हो, हमारी बातों से अबलीस शर्मिंदा हो, क्योंकि उसने सलीम पर जान हमारे लिए दी, ताकि अबलीस को शिकस्त मिले। अबलीस आज आप कितने लोग हैं जो अबलीस से डरते हैं, इवन स्पिरिट से डरते हैं, लेकिन सिर्फ खुदा यीशु मसीह नासरी है जिसकी वजह से वो डरता है, और वो कभी आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता, अगर आज आप अपना पूरे दिल से उसको अपना खुदा माने, उसको खुदा का बेटा माने, और वह आपकी जिंदगी में दाखिल होगा, और आपको राइट नाउ वो आपको शिफा देने की कुदरत रखता है, आपकी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से चेंज करने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसने आपके लिए, मेरे लिए गुनाहों से निजात के लिए जान दी है, और वो एक छोटा सा खुदा नहीं, वो बहुत बड़ा खुदा है,
जिसने इस पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत बनाई है अपने हाथों से, वो बाप है, उसने खुद ये सारी चीजें बनाई हैं, और आज वो आपको बुला रहा है अपने पास कि मेरे पास आओ, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अगर कोई नाराजगी है, अगर कोई एंगर है तो मुझसे शेयर कर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर, क्योंकि आजकल हम खुदा से बातें करना छोड़कर अपने दोस्तों से, मोबाइल फोन से, इंटरनेट पर बातें करते हैं, फेसबुक पर बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर बातें करते हैं, लेकिन हम अपनी वाइफ से बात करते हैं, अपने बच्चों से बात, लेकिन हम खुदा से बात नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे उसका उसके लहू से हम हमेशा पीछे रहते हैं, हम उसे कभी भी बैठ कर प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मांगते, हम उसे अपने सलूशंस देते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन आज अपने तहे दिल से आज कहे मुझे खुदा यीशु मसीह चाहिए, और वो आ जाएगा, क्योंकि जब यीशु चाहिए तो वो आपको आपको सारी चीजें देता है, वो आपको सब पर रिहाई देता है, वो इबलीस को पूरा कब्जा देता है आपको, ताकि आप रिहाई पाए, मैं रिहाई पाऊं, हम सब रिहाई पाए। खुदा यीशु मसीह आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे, आमीन।